हेलो बच्चों, माय सेल्फ विपिन शर्मा। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या मतलब, आज तो हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 4, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम जो मोशन करते हैं, हमारे मोशन में कितने तरह के फोर्स काम करते हैं, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर हम इसमें हायर लेवल में बात करें, जो नीट और JEE के जो क्वेश्चन हैं, यहाँ से काफ़ी बन जाते हैं। जैसे हमारे पास जो फ्री बॉडी डायग्राम है, फ्री बॉडी डायग्राम के काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, किस तरह से बॉडी को कंजर्व करती है, ये सभी चीज़ें 9th में भी आप लोग पढ़ करके आए हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन में रीजन बिहाइंड द मोशन, मोशन के पीछे क्या रीजन है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू मेक स्टेशनरी बॉडी टू मूव। मतलब हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी रुकी हुई बॉडी को चलाने के लिए, ठीक है। और इसके बाद बच्चों, एक साइंटिस्ट भी आए, एरिस्टोटल साहब, इन्होंने एक नियम दिया, अपना एक लॉ दिया, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब किसी भी बॉडी को मोशन में चलाने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। और बाद में बच्चों, इनका जो नियम है वो फेल भी हो गया। वो क्यों फेल हुआ, देखो उसके पीछे का कारण क्या है, ध्यान से समझिएगा। NCERT में जो इसको दिया हुआ है, कई बार समझ में नहीं आता है अच्छे से कि क्या उसका मतलब है, क्या कहना चाहती है। देखो, मान लीजिए कोई बच्चा है जिसके हाथ में कोई गाड़ी है, बड़े वाली गाड़ी होती है ना, जिसको बच्चे खेलते हैं पकड़ करके, यहाँ मान लो रस्सी बंधी हुई और पकड़ के चला रही उसे, ठीक है ना, जिसमें चार पहिए भी लगे होते हैं, ठीक। तो वो गाड़ी पहले रुकी हुई है, वो बच्चे ने वो उठाई, उसको चलाना शुरू किया, मतलब उस पर फोर्स लगाया तो वो मोशन में आ गई। बात सही है एरिस्टोटल साहब की, उन्होंने यही कहा था कि किसी भी बॉडी को चलाने के लिए मोशन की ज़रूरत होती है। इसका मतलब है, जैसे ही बच्चे ने वो बॉडी वो उसको छोड़ दिया, गाड़ी को चलाते हुए बीच में गया कहीं और वहाँ छोड़ दिया, तो वो रेस्ट में आ गई। वो जो रेस्ट में आई, एरिस्टोटल साहब का कहने का यहाँ मकसद था कि उसमें रेस्ट में आने का क्या कारण है, अगर कोई फोर्स बॉडी पर नहीं लग रहा होगा तो वो रेस्ट में आएगी। बात समझ में आई, ऐसा एरिस्टोटल साहब ने कहा था। लेकिन हम लोग बड़े अच्छे से जानते हैं, अगर कोई बॉडी धरती पर चलती हुई या अर्थ पर चलती हुई या किसी मेज पर चलता हुआ खिलौना है, वो किस वजह से रुकता है बच्चों, वो किस वजह से रुकता है, वहाँ रीजन होता है फ्रिक्शन फोर्स। मतलब वो स्वतः ही नहीं रुक जाता है, उसको रोकने के लिए भी फोर्स की जरूरत होती है। ये एरिस्टोटल साहब नहीं बता पाए थे, ठीक है ना। तो यही मिस्टेक इनकी पकड़ ली गई, ठीक है ना, और यहीं से ही इनकी गलती निकाल दी गई। बल्कि मैं मानता हूं कि जो एरिस्टोटल साहब है वो वास्तव में जीनियस थे। कारण क्या है उसका बच्चों, इतनी बड़ी बात बताना भी शुरुआती तौर में एक बहुत बड़ी बात है, उनके माइंड में ये आया तो ठीक है ना। बाद में तो साइंस है, ये आगे चीजें चलती चली जाती हैं, पुराने जो लॉज हैं उनको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो एरिस्टोटल साहब थे, ये आप अपने में एक जीनियस आदमी थे जिनके माइंड में इस तरह की बात आई, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा भी हुआ है, देखो मैंने इसी लैंग्वेज में लिख लेना, काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको याद भी रहेगा। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, जो एरिस्टोटल साहब थे उनके अकॉर्डिंग कार्ड्स कम, कार्ड्स क्या है, जो बच्चे की खिलौना है गाड़ी का, उसका यूज कर रहे हैं यहाँ कार्ड, CARD, कम एट रेस्ट बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। मतलब इन्होंने कहा कि जो बच्चे की जो कार है वो रुकी क्योंकि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा था, जबकि ऐसा ये नहीं है। कार रुकेगी क्योंकि उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, इसीलिए वो जो है रेस्ट में आती है। नेक्स्ट है, बट एक्चुअली द कार कम्स एट रेस्ट ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द सर्फेस विच अपोज द मोशन ऑफ कार्ड्स। बात समझ में आई बच्चों, सिर्फ यही नहीं, अगर हम चलते हैं ना तो हमारे चलने के पीछे भी कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है। आप सोचो, अगर हम किसी ऐसे कमरे में हैं
जहाँ टाइल्स लगी हुई हैं, और टाइल्स के ऊपर भी क्या है, तेल आप लोगों ने, ऑयल आप लोगों ने नीचे बिखरा दिया, तो क्या आप उसके ऊपर चल सकते हैं? नहीं चल सकते। जैसे ही आप चलेंगे फिसल जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा जो रनर होते हैं वो अपने जो शूज़ होते हैं वो अलग ही रखते हैं। कारण क्या है? उनका मतलब होता है कि इससे ग्रिप बहुत अच्छी बनती है। वो ग्रिप क्या है? वो ग्रिप क्या है? जैसे हम लोग भी जब रनिंग करते हैं तो उसके शूज़ रखते हैं वो अलग ही होते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि वो फिसले नहीं। तो उसके लिए उसका जो सोल होता है ऐसे देखते हैं ताकि उसके ग्रिप बनी रहे। उस ग्रिप से क्या मतलब है? उस ग्रिप से यही मतलब है कि जो हमारे पास सरफेस है उसके साथ में, और हमारा जो जूता है उसके जो नीचे तलवा है, तलवे के और सरफेस के बीच में प्यारे बच्चों जो फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, वो मैक्सिमम रहे। उसके पीछे का यही रीज़न है। तो ठीक है, आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। चलिए, जय हिंद प्यारे बच्चों।